बैक टू आवर शो और आप देख रहे हैं उत्तम लज ब्रो। सो गाइस अभी हम हैं वेद व्यास में और जो कि बर्थ प्लेस ऑफ वेद व्यास है। वेद व्यास कौन है ना? फर्स्ट ऑल ये एक महान ऋषि है ना, जिन्होंने ना महाभारत लिखने में हेल्प किया था और यही उनका जन्म स्थान है। तो आज हम इसी को आज हम एक्सप्लोरिंग करने वाले हैं और मज़ा करने वाले हैं दोस्तों फैमिली। जस्ट हमारे पीछे जो कि मंदिर का एंट्रेंस है, मंदिर का एंट्रेंस है, अंदर देखते हैं क्या है। अगर उन्होंने दिया तो शूट करने के लिए तो हम जरूर शूट करेंगे, वरना अगर परमिटेड नहीं है तो शायद हम बार बार से दिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि रूल इज रूल एंड वी हैव टू फॉलो दैट रूल। दोस्तों क्या सीन है, एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है ना? तो इस मंदिर के ठीक किनारे कोयली नदी है और बहुत ही ब्यूटीफुल सीन लग रहा है दोस्तों। और ऋषि वेद व्यास जी का ये पूरा बर्थ प्लेस जैसे कि आप जानते हैं और आप देख सकते हैं, बारिश का मौसम है, पानी का लेवल मतलब कि लोगों से पूछा था कि पानी का लेवल ऊपर तक आ जाता है, ठीक है, ये जो सीढ़ी देख रहे हो इतना ऊपर तक आ ही जाता है। गाइस यही है वो जो जगह जहाँ पे ऋषि वेद व्यास स्टे करते हैं और अंदर अपना जो पूजा पाठ वही अंदर ही कर रहे थे, ठीक है, वो यही गुफा है, यही गुफा है, ठीक है, जो कि जस्ट मेरे पीछे है, ठीक है, तो जूम करते हैं। जैसे कि आपने ये जो केव देखा था, ये केव पूरा अंदर जाता है और नदी के बाहर बाहर निकलता है। तो इसका जो एंट्रेंस ये है और एग्जिट जो है इस केव का वो है बाहर नदी के किनारे। तो अब कहाँ जाता है क्या जाता है, मतलब जो सुनने में आया जिन्होंने हमको कहा तो हम वही जानते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देना था हमने दे दिया। तो उस समय भी आप जान सकते हैं कितना मतलब इंजीनियर्स दे आर ऑल बेस्ट है ना, पुराने ज़माने में भी इंजीनियर्स है, लेकिन आज इंजीनियरिंग का थोड़ा ज़माना ख़राब चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी इंजीनियर हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, माइंड मत करना, लेकिन जो सच है वही सच है, क्यों भाई? हाँ ठीक है, अभी हम पानी के पास जाने वाले दोस्तों, चलो नीचे की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा नीचे की तरफ अभी हम जा रहे हैं, रिवर्स करना भाई इधर, हाँ यो यो, हाँ चल चल इतना चल रहा था। है ना? हाँ ये सब पूरा पहाड़ काट के दोस्तों, पहाड़ काट के बनाया गया है स्टेप बाय स्टेप, और उस समय तो कुछ सीमेंट है ना ब्रिक्स ये सब कुछ नहीं था दोस्तों। देखिए भाई हाँ स्लिप हो जाएगा, बहुत स्लिपरी बारिश का दिन है ना दोस्तों, बहुत इसलिए पूरा सभी जगह में बहुत स्लिपरी है। अगर आपके लिए हम इतना ब्लॉग बना रहे हैं तो प्लीज़ मेरे मित्रों आप सब्सक्राइब कीजिए।
सस्क्राइब कर दो तो बनता है बस। और ये मंदिर के चारों तरफ है ना। तो फिलहाल ये सब जो शूट चल रहा है ये वेस्टर्न ओडिशा है लोकेशन। ये वेस्टर्न वेस्टर्न ओडिशा हाँ। और मंदिर के एक तरफ पूरा ही नदी है दोस्तों, जैसे मैंने आपको उस पहले दिखा रहा था, मैं कल्याण रिवर है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। तो आज का दिन यही पे हम एंड करते हैं। कीप वॉचिंग उत्तम उल्लास प्रो, और अभी और भी बाकी है, और भी वीडियोस आने वाले हैं। और हम क्यों राउरकेला आए हैं एक्सप्लोर करने के लिए, और आपसे जैसे हमने वादा किया था उस वादे को पूरा करने के लिए। तो घंटी बजाओ अभियान, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, शुरू करते हैं। और कीप वॉचिंग उत्तम उल्लास प्रो। अगर आपका कुछ कमेंट हैं, सुझाव है, आप दे सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन में आप हमारे मेल आईडी में भी दे सकते हैं। अगर आपका कुछ भी क्वेरी होता है तो आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे चैनल ऐसे ही ग्रोथ हुए। सो टिल देन बाय बाय।